प्रोग्राम का क्या बना? प्रोग्राम चल गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओके, इसके अंदर हमारे जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो टोटली वर्क फ्रॉम होम है। सलाम अलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। नाइस जी, बिल्कुल मिला। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एम्बेसडर्स के लिए। हम सुबह से काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। मजे की बात ये है, पाँच हो रहे हैं, हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, स्टिल हमने ना पानी पिया ना खाना खाया। पूरे सरीना जो है, मतलब इन्होंने अपना पूरा दुखा पूरे सबका निचोड़ मेरे सर पे दे मारा है, ठीक है, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, तो कैसे हैं आप लोग? एक मिनट, मैंने गलत बोल दिया ना यार, मुझे पता लग रहा है मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था मैं बोलूँगा कि अस्सलाम वालेकुम लवर्स, कैसे हैं आप लोग, मतलब इस तरह बोलना है। अस्सलाम वालेकुम लवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? यार सीन कुछ हुआ कि भाई इस वक्त आपका भाई आ चुका है, किधर आ गया यार? इस वक्त हम लोग आ गए हैं F9 पार्क के अंदर। थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या सीन होने लगा है। सीन बड़ा यस का होने लगा है, तो आप लोगों को फिर बाद में बताते हैं क्या है। इंटरनेशनल लीडरशिप काउंसिल है भाई, सॉरी इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, उधर हम आए हुए हैं। अभी हम आगे जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। फिलहाल ये सीन है, 8 हो रहे हैं अभी, 8:05 हैं। तो भाई जान हमारे बॉयज आ चुके हैं और हम लोग भी चलते हैं अभी अंदर। तो भाई जान दिस इज़ द एंट्रेंस, और अभी हम लोग अंदर जाएंगे, फिर आपको बाद का सीन फिर बाद में बताते हैं। तो भाई जान हमें जो है इधर कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमें एक और भाई मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या हो रहा है? वेले ही है, वेले ही है। यार सुबह का टाइम है ना, सीन ये है कि अभी हम लोग का स्टार्ट होगा कितने बजे, 9 बजे तक, 9 बजे स्टार्ट होगा, फिर आपको अंदर का सीन जिना हाल कह रहा हूँ। एक तो यूनिवर्सिटी वाला सीन अभी तक जहन पे है, जिना हाल। अभी आपको अंदर एवान कायद के अंदर जो हाल है उनका फॉर्मली आपको उधर का सीन दिखाते हैं, तब तक के लिए देख लो बस। बेजन सीन ये है कि अभी हॉल जो है और ज़्यादा फुल हो चुका है। आपको पता है इधर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, लेकिन हॉल इतना तक हो गया भाई फुल। ये बॉयज़ का एरिया है और वो जो है वो गर्ल्स का एरिया है। दिस इज़ अ व्यू ऑफ ऊपर वाला। तो भाई जान ये सीन है, इस पर हॉल तकरीबन 80% फुल हो गया भाई जान, फिर आपको बाद का सीन बाद में बताते हैं। मैं हर दफ़ा यही बोल रहा हूँ, बाद का सीन बाद में बताते हैं, तो फिर बाद में बताएंगे, अभी ये सीन है। आप क्यों नहीं बोल रही? सलाम वालेकुम, आप जरा भाई छोड़े ना। सलाम वालेकुम। अच्छा चलिए, अब एक हम इतनी आवाज में बोलेंगे कि पार्लियामेंट हाउस तक आवाज जाए, वरना हमें भी प्रेस अभी मैं बोलनी पड़ेगी। अब भाई आपका 1, 2, 3, 4, 5 सलाम अलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर। अच्छा जी, स्माइली विद स्माइल का चुलाहा, इसको प्यास लग रही है भाई, इसको प्यास लग रही है। किसी ने कहा है चुलाहे के बारे में, आओ चुलाहे के पास चले, वो टूटे हुए धागों को जोड़ता है। टूटना तोड़ना तो को टॉप नहीं किया हुआ था, उन टीचर्स ने सरवाइव किया जिनको गैजेट्स यूज करना आते थे, उन लोगों ने सरवाइव किया ऑफिसेज में जिनको गूगल मीटिंग यूज करना आती थी, जिनको जूम यूज करना आता था, जिनको गूगल डॉक्यूमेंटेशन आती थी, जिनको एप्स यूज करने आती थी, जिनको ईमेल करना आती थी, जिनको अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखना आते थे इंटरनेट पे, उन लोगों ने सरवाइव किया। और अब ये दुनिया ने सोचना शुरू किया कि यार अगर हम 2 साल के लिए इंटरनेट पे शिफ्ट हो सकते हैं तो व्हाई नॉट वी मेक इट परमानेंटली, जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। हमारे लोग अगर आते हैं ऑफिस में, अगर वो हम
अपना 25% का स्टाफ कम कर लेते हैं तो हमारे फ्यूल चार्जेस कम होंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, पेपर कम लगेंगे, चाय भी लोग लेंगे, सिक्योरिटी का मसला हमारा इतना ही रहेगा। तो अब दुनिया स्मार्ट वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंपैक्ट कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हिज एक्सपर्टीज इन द सोशल सेक्टर एंड हिज एंगेजमेंट विद वेरियस प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस across the country are truly commendable. I would like to ask Mr. Rahi to share a few words with us. Please, sir. आप लोग देख रहे होंगे कि ये फूलों के पास बाहर किधर बैठा हुआ है। फूल भी हैं फिरोजी रंग के और फिरोजी से मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन खैर इधर हम बाहर इसलिए बैठे हैं क्योंकि यार अंदर जो था बैक बोन का लेवल का इशू हो गया था भाईजान, और अभी हम लोग बाहर इसलिए आ गए, थोड़ा सा यार रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। ये पानी की बोतलें वगैरह भी पड़ी हैं, लेकिन खैर अगली बात सपोर्टिंग आवर Mr. Arsalan, CEO and co-founder of Hosting Free, who is our key sponsor, to please present Shields to Mr. Amjad and Ms. Hasina. Please, sir. ख्वातीन लीडर्स नहीं है और किसी भी पिक्चर्स में लड़कियां या ख्वातीन दिखती नहीं है, तो प्लीज़ डू नॉट स्टॉप एनीवेयर, ठीक है? बिकम दोज लीडर्स, मेक दोज बिजनेसेस, बिकम सीईओस और मे बी लीडरशिप पोजीशंस, सो दैट ये क्रिटिसिज्म एटलीस्ट पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए कि हम ख्वातीन को आगे बढ़ने नहीं देते। वी वॉन्ट टू सपोर्ट दैम। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जिससे आप वो projections, modeling, macro level, micro level, sorry, आप even not just for Pakistan, for the global economies, आप कैसे देख सकते हैं? So the new world order and all those things. And if you are from law, how you can possibly help with the policies of the country and how you can improve the laws ताकि कोई भी बाकी जो भी domains हैं और especially जो tech industry है वो कैसे grow कर सकती है? So there is something for everyone. And मैंने arts और science technology का इसलिए पूछा था because that's my background and I think a lot of work is being done by Hamid in this, Imad. आपके पास arrangement मौजूद है? ये जितने हमारे कॉलीग्स हैं, जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर लोग आप देखेंगे, और दुनिया में भी जो लोग हैं, उन्होंने जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे, उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। लोग ये सोचते रहते हैं मेरे पास ये आएगा तो फिर मैं, वो सोचते हैं मेरे पास ना वो मैक आएगा ना, मैक 23 मॉडल, फिर मैं कुछ करूंगा या करूंगी। कोई सोचता है मेरे पास जो वो आईफोन आएगा तो मैं करूंगा, जबकि जो अवेलेबल है हमारे पास। मुझे याद है मैंने 2001 में, हसन साहब, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, हामिद, तो जब मैंने 2001 में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कदम रखा तो दैट वाज एन एरा ऑफ फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन के जरिए ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो लोग नहीं थे हमारे पास भाई, बड़ा जो हमें गाइड कर सकते, जिनकी हम बैठकर सीट्स के ऊपर हम उनको सुन सकते। अगर मेरे जैसा नॉन टेक्निकल बंदा, मेरा पाकिस्तान में, हाँ, हम पाकिस्तान में माइनस ले, इसका सलूशन हम लोगों के पास है। अच्छा, देखिए, जो आदमी 50,000 डॉलर पर मंथ का पाकिस्तान में है, उसको तो वहां से प्रॉफिट तो नहीं, अगर वो डिजिटल फंडिंग करेगा उसको प्रॉफिट है। लेकिन हामिद की जो फिलॉसफी है ना, वो ये है कि भाई एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कमिटमेंट्स, उनको हाथ से नहीं जाने दें।
आप ये जो हारून ने अपने रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं अपने कस्टमर्स के साथ, ये देखिए माइक मेरे पास है, ठीक है 90 डेज के अंदर अगर रिफंड लेना तो ले लो, हमने कहा भाई जब करना है उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाती है। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, ठीक है, आप में से कितने स्मोकर्स हैं? अच्छा, अभी हाउस में हम लोग जो हैं बच्चे भर रहे हैं, अभी हम लोग ने इस वाले हाल से लेके जाने इस वाले हाल में बंदे। तो भाईजान अभी ये सीन है कि यहाँ पर ये है ये एरिया, मतलब आप लोग कहते हो ना अवैन कैद में हम लोग आए हैं, तो ये है पिक्चर भी लगी है और ये सीन है अभी का, बाद का सीन आपको बाद में। भाईजान अभी जो है हम लोग इधर आ चुके हैं, ठीक है मल्टी, तो भाई से हम पूछते हैं कि भाई थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देंगे। मैं मल्टी इनसाइट से हूँ, हमारी जो कंपनी है के फाउंडर जो है ताज़ीन नसरीन है जी जी, एंड इन्होंने लाइक अपनी जो कंपनी बनाई थी ये टोटली बेस्ड है शॉपिफाई डेवलपमेंट। ओके, और शॉपिफाई डेवलपमेंट में हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो हम मोस्टली जो टारगेट करते हैं बाहर की मार्केट है। ओके, जिसमें अमेरिका आ जाता है और यूरोप में मोस्टली जर्मनी से क्लाइंट्स आते हैं। ओके, इसके अंदर हमारा जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो टोटली वर्क फ्रॉम होम है, और अभी हम हायरिंग कर रहे हैं जिसमें बिजनेस डेवलपर हैं, सेल पर्सन हैं और हमारे शॉपिफाई डेवलपर्स हैं। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले ही आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। या इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, ठीक है, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं और आप उन टास्क को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच। ये कार्ड ले लिया हम लोगों ने, अभी जो है हम लोगों को लंच वगैरह का इंतजाम भी इधर हुआ है। अभी देख क्या बोल रहे हैं भाई? सर पानी नहीं मिला हमें। क्यों पानी नहीं पिलाया आप? बस कभी वहाँ पे भेज रहे हैं, कभी वहाँ पे भेज रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा हमें। बड़ी आप दुख में लग रहे हैं मुझे यार। नाजुक सूरत हाल है, नाजुक सूरत क्या बात है। प्रोग्राम तो फैजान भाई क्या सीन है प्रोग्राम का? प्रोग्राम बढ़ने वाला है अभी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये एंडिंग फेज में है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो घुटने हैं ना वो खत्म हो चुके हैं, हम चाह रहे हैं कि हम बेड पे गिर जाएं कल तक ना उठें। अच्छा, ये हालात आप देख रहे हैं। फैजान भाई कह रहे हैं प्रोग्राम बिल्कुल बढ़ गया। हां वर्ड बिल्कुल बढ़ चुका है। कल का क्या सीन है? कल का सीन ये कि कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम को बढ़ने ना दें। ठीक है। तो भाई अभी जो है हम लोग किसी से पूछते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरा है, मतलब मुझे नाम ये भी पता चला, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, आप नीचे जा सकते हैं अगर आप पूरे नहीं आ रहे। वॉइस है उसकी, कैसे हैं आप? आपका नेम? सारीना। अच्छा सारीना, क्या क्यों आई थी आज? गलती से आई थी नहीं, मतलब आपका क्या मोटिव था और क्या सीखा यहाँ से? जितना इन्होंने हाइब्रिड की थी हमें तो लगा था कि शायद वाकई हमारे लिए करियर काउंसलिंग है, हमें बहुत कुछ पता चलेगा, बट हमें जितना स्पीकर से सुनने को मिला, उनकी लाइफ के बारे में सुनने को मिला, उन्होंने इतना कमा लिया, वो इतने मिलियन डॉलर्स बना रहे हैं, बट किस तरह बना रहे हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पे बना रहे हैं, हमें सिखाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सबसे मेन पॉइंट, हमने रजिस्ट्रेशन फीस दी, हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए, हमने इतने पैसे लगाए, सुबह से आए हुए, इन्होंने हमें पानी तक नहीं दिया, खाना तक नहीं। अच्छा मजे की बात ये है, मतलब 5 हो रहे हैं, हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं एंड स्टिल हमने ना पानी पिया ना खाना खाया। पूरे सरीना जो है मतलब इन्होंने अपना पूरा दुखा पूरे सबका निचोड़ मेरे सर पे दे मारा है, ठीक है, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। कोई मसला देखिए, ब्रांड जो एम्बेसडर्स थे इनको चीजेस के पिज्जा खिलाए गए, हम लोग को जो है वो खाना शाना मिलने लगा बड़ी मेहनत के बाद। हम लोगों ने कहा हम 12 बंदे हैं तो हम लोग को जो है 3 लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए, तो भाई अभी आए का सीन देखते हैं। प्रोग्राम का क्या बना? प्रोग्राम चल गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या फील है? डाडो सुठो मेरा प्रोग्राम बहुत फील आ रहा है। आहा क्या बात है, क्या मतलब है, मजा आयो एडो मजो आयो एडो मजो आयो। तू पंजाबी है, एडो मजो ना कर, तू पंजाबी है, एडो मजो आयो। तो वहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है भाई, लेकिन आपका है इंटरव्यू लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका क्या नाम है? माजिद अली सर, आप हैदराबाद के लग रहे हैं जी। जी सर, कास्ट सुमरो जी, सुमरो भाई सैयद सुमरो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है सारे हैदराबाद के हैं? ये सारे ऑलमोस्ट सिंधी हैं सारे, वो भी मतलब उसको थोड़ी बहुत आती है लेकिन ऑलमोस्ट ये सारे सिंधी है। यार ये तो बड़ा अच्छा मिल गया, अपने इलाके के बंदे मिल गए हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये यू आर फ्रॉम सिंध? आई एम फ्रॉम हैदराबाद। फक यू ऑल।
अस्सलाम वालेकुम सबाहत, अस्सलाम वालेकुम फजान भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा ये है कि सबसे पहले तो हम लोग जो है इधर थके हैं बहुत सख्त किस्म का, तो उनसे आपको लग रही होगा अच्छा यार आप जो है आपको प्रोफेशन डिग्री वगैरह। एक्चुअली मैं मीडिया स्टूडेंट हूं, ठीक है। अच्छा तो आपने यहाँ पे जो है आपका बेसिक मतलब मोटिव क्या था, आप मीडिया से मेरे ख्याल में रिपोर्टिंग वगैरह मीडिया से? यस, मेरा यही मोटिव था कि मैं सीएमसी को लाजमी ज्वाइन करूँगी और मीडिया कितनी कवर। माशाल्लाह, तो खाना वगैरह मिला? जी बिल्कुल मिला है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एम्बेसडर्स के लिए। हम सुबह से काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। लेकिन मीडिया टीम का तो आप बताएं, मीडिया टीम को नजर नहीं आई जाइए। एक्चुअली हम सब सारे इतने बिजी हैं तो हम एक दूसरे को इस तरीके से नहीं कर पा रहे लेकिन इसलिए आपको नजर नहीं आया। लेकिन मैं तो आई थी आपका इंटरव्यू। अरे अरे जजाक अल्लाह, ये आपकी जरूर नवाजी है, ये आपका बहुत बड़ा फोन है सर। आप भी कुछ बोलेंगे सर? आप पूछेंगे तो बोलेंगे, आप पूछेंगे तो मैंने आपने एकदम मारा हुआ है। अच्छा तो हाँ बेसिकली हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फैजान अहमद है, मैं बेसिकली इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हूँ। नहीं मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ला कर रहा हूँ, सीएससी में इधर मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी को लीड कर रहा हूँ। और पर्टिकुलरली अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मैं सीएससी क्यों ज्वाइन किया मैंने और मैं एक कमेटी का ऐसा क्यों बनाऊँ, तो बेसिकली मेरी जो फील्ड है ना, मैं समझता हूँ कि मुझे ना अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, मुझे हर बंदे सही से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, मैं हर बंदे से फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह दूँ, टॉकिंग वे कौन सा हो और बुकिंग चीज़ें किस तरह मैं हैंडल करूँ। बींग ए फ्यूचर लॉयर मुझे ये ज़रूरी मैं समझता हूँ कि मैं ना हर बंदे से ताल्लुकात बढ़ाऊँ, क्योंकि फ्यूचर में जाऊँगा तो मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, मेरे अपने बहुत ज़्यादा नेटवर्क, और मैं समझता हूँ कि एक इंसान का जो नेटवर्क होता है वो उसका नेटवर्क। जो बात है थैंक यू भाई, आपने जो बात की है ना दिल्ली।